Hey guys, welcome to another session of Health Talk. मैं ज्योति आर्या. आज का टॉपिक है हार्ट डिजीजेस. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी शर्मा. शी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग एट GNH हॉस्पिटल. आज इनसे पूछेंगे कि क्या कारण है कि हार्ट डिजीजेस इतनी कॉमन हो रही है इन यंग एज. डॉक्टर रजनी, एक्चुअली जो पहले मिथ एक आ गया है कि हार्ट डिजीज 50 ईयर्स के बाद ही होंगी या 60 ईयर्स के बाद, लेकिन आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस जो एक अहम भूमिका निभाता है हमारे हार्ट डिजीज में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वर्क एटमॉस्फेयर में बहुत स्ट्रेस होना, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल इनटेक और डायबिटीज का सोसाइटी में एग्रेसिव इंक्रीज होना, हाइपरटेंशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स जैसे जैसे बढ़े हैं सोसाइटी में लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, उसकी वजह से हम लोगों में जो हार्ट अटैक पहले एक एज के लिए बीमारी समझी जाती थी, वी गेट पेशेंट्स नाउ एट यंगर एज आल्सो. बिलो 40 भी अबाउट हार्ट डिजीजेस पेशेंट टोटल कवर करें तो हमारे 20-30% जो पेशेंट होते हैं अब बिलो 40 के जनरली हार्ट अटैक के साथ आते हैं. कई दफा मैम देखा गया है कि यंग एज ग्रुप, अगर मैं अपने आप को देखूं तो अगर हमें हल्का फुल्का भी चेस्ट में कोई इरिटेशन होती है, वी सिंपली टेक एंटासिड या फिर वो डाइजीन वगैरह हम पी लेते हैं. व्हेन शुड एनी पर्सन शुड गो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ चेकअप ताकि पता चले, रूल आउट हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. देखिए, चेस्ट पेन जो है वो कई कारणों से हो सकता है. ये हमें रूल आउट करना होता है कि वो हार्ट डिजीज के रिलेटेड है या नहीं है. तो उसके लिए कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि जैसे हमारा जो चेस्ट पेन हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है वो टिपिकल पेन ना होके एक छाती में दबाव या कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन जो हम बोलते हैं, और उसके साथ में एक्सेसिव फेस पे पसीना आना या उस पेन का पीछे बैक में भी जाना और लेफ्ट या राइट या दोनों हाथों में जाना, और समटाइम्स हमारे जॉ लाइन तक में पेन होना या अम्बलिकस तक, इतना एरिया हमारे हार्ट एरिया से रिलेटेड होता है. इन एरियाज में हमें पेन हो सकता है. फिर उसके नेचर से और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स के साथ, कोई पेशेंट है डायबिटिक है, बड़ी एज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन है और हमारे सीएडी के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनके साथ हम कोरिलेट करके प्लस ईसीजी और इको इवैल्यूएशन करके कंसाइज करके सारी इन्वेस्टिगेशन को तब डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस पेन इज रिलेटेड टू हार्ट और नॉट. तो ये हमें जरूर देखना होगा. लेकिन जैसे कि आजकल हार्ट डिजीज का अब एज फैक्टर नहीं रहा है, जो कि हम सोचते थे कि डायबिटिक है तो ही होगा या बड़ी एज में ही होगा, यंगर एज में भी हमारे पास पेशेंट आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से. तो हम जो इवन हेल्दी पेशेंट्स हैं उनको एज अर्ली एज रूटीन टेस्ट सब कराने के लिए बोलते हैं. कोलेस्ट्रॉल टेस्ट तो हम एज अर्ली एज 20 इयर्स के अबव कराने को बोल देते हैं. अगर उनके कोलेस्ट्रॉल डिरेंज हैं तो वो उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें, और बीपी और हाइपरटेंशन ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव लाइक डेली एक्सरसाइजेस और वेट का मैनेज करना, लाइक हम बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं वो हम जनरली बिलो 25 का टारगेट रखते हैं. इवन एशियंस जो हमारी पॉपुलेशन है, हम एशियन पॉपुलेशन में आते हैं, दे हैव टू मेंटेन इवन लेसर बीएमआई बिलो 23 टू कीप इट इन अ हेल्दी, हमें हेल्दी कंसीडर करने के लिए, क्योंकि हम वेस्टर्न पॉपुलेशन से एशियन पॉपुलेशन इज स्लाइटली डिफरेंट एंड वी आर मोर प्रोन टू गेट हार्ट डिजीजेस इवन एट यंगर एज एज वेल एज इवन विदाउट लेस रिस्क फैक्टर्स. तो हमें और ज्यादा कॉन्शियस होना है टू एग्रेसिवली कंट्रोल हार्ट डिजीज इन द कम्युनिटी. ओके, प्राइमरी कौन सा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे कि इवैल्यूएट हो कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो? इनिशियली हम पेशेंट के सबसे पहले तो क्या दिक्कत है वो कोरिलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी एज क्या है और बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये सब मिला के फिर हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस आती है, फर्स्ट वी डू ईसीजी जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग होती है हार्ट की एट दैट पर्टिकुलर टाइम, फिर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं जिसमें कि हम हार्ट का स्ट्रक्चर, पंपिंग, वेल्स वगैरह को सब देखते हैं, उसका क्या सिनेरियो है वो देखते हैं, पेशेंट के सिम्टम के साथ रिलेशन, और हमारे कुछ इमरजेंसी चेस्ट पेन पेशेंट्स में टेस्ट होते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स जैसे कि ट्रॉपाई और CPK-MB हम बोलते हैं, तो वो कराया जाता है टू रूल आउट के पेशेंट को अभी जो चेस्ट पेन है वो अटैक से रिलेटेड है या नहीं है.
कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और या फिर अगर हो गई है हार्ट प्रॉब्लम देन व्हाट कैन वी डू? दो एस्पेक्ट हैं, एक है कि हार्ट डिजीज अभी हुई नहीं है और हमें प्रिवेंट करनी है, तो ऐसे केसेस में एक हमारी होती है कि पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है हार्ट डिजीज के लिए, दैट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, कि हम उन रिस्क फैक्टर्स को ही डेवलप ना होने दें, लाइक हमें हाइपरटेंशन ना हो एज के साथ, डायबिटीज ना हो, हमारा वजन ना बढ़े, तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हमारा टारगेट रहता है कि अपना जो है वेट एग्रेसिवली कंट्रोल करके रखें, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है 23 के अंडर ही रहे, डेली 30 मिनट्स मिनिमम मॉडरेट एक्सरसाइज हम लोग करें, इतनी एक्सरसाइज हो, ब्रिस्क वॉक इज मोर देन इनफ फॉर अस, अगर वो एग्रेसिवली हम इतना करें कि स्वेटिंग हो और हमारे बॉडी को उससे लॉस हो वेट का, इतना हमारे लिए बहुत है, एटलीस्ट ऑल डेज इन अ वीक, और नहीं तो कम से कम 5 दिन इन अ वीक तो करना ही है, वेट कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ हमें जो है अपने खान पान पे ध्यान देना है, एटलीस्ट हमें 4 to 5 servings वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, एक्सेस फाइबर लेना है, जिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीजें हैं जैसे कि आइसक्रीम हुआ, या फिर जो हमारे पॉलिश्ड राइस और या जो वीट है वो पॉलिश्ड और वैसे प्यूरिफाइड फॉर्म में ना हो, जैसा कि मैदा, होल ग्रेन वीट हमें ज़्यादा खाना है, इन सब चीज़ों को, खान पान को, एक्सरसाइज को ध्यान रख के हमें रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, ये हमारे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। देन वी हैव अ प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में ये है कि मैं ऑलरेडी डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंशन हो चुकी है, ऐसी स्टेज में मुझे हार्ट डिजीज में कन्वर्ट ना होए, उसके लिए हमें अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल रखनी है, बीपी को स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, बीपी का टारगेट हम जनरली जो है 130 और 80 या उससे कम पे टारगेट रखते हैं कि दवाइयों से उससे कम रहे, और शुगर का कंट्रोल जैसे कि आजकल बता दिया है कि फास्टिंग हमारी डायबिटिक पेशेंट में 100 तक रहे और जो हमारा पोस्ट प्रेंडियल है वो 140 के अंदर रहे, तो ये स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज ऑब्वियसली इसमें आती है, स्मोकिंग नहीं करना है बिल्कुल, ये इवन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में भी है, प्राइमरी प्रिवेंशन में भी है। अल्कोहल अगर लेना है तो मॉडरेट अमाउंट में लें, कभी भी अल्कोहल जो है मोर देन 2 pegs मेल में ना जाए और फीमेल्स में लेस देन 1 peg के अंडर रहे, तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल टाइम टू टाइम चेक कराना है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दें, अगर रिक्वायर्ड है लाइफस्टाइल से चेंज करें, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट के साथ भी उसको अपनी रेंज में रखें, ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। देन वी हैव लाइक सेकेंडरी प्रिवेंशन, हमारे को हार्ट डिजीज हो गई है, अब उसका ट्रीटमेंट हमारा हार्ट डिजीज का फॉर लाइफ लॉन्ग कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हमारी हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को चलेंगी, और फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमें ये ध्यान रखना है कि ये नेक्स्ट दोबारा ना हो, और जो हमारी अब हार्ट की कैपेसिटी रह गई है या जो इवेंट हमारा हो गया है उससे फर्दर और नुकसान ना हो, वो हमारे उसमें भी सेम एक्सरसाइज, स्ट्रिक्ट डायबिटीज कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल एंड डेली एक्सरसाइज, एंड ऑफ कोर्स इन ऑल प्रिवेंशन मोड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउडेज, तो हमें कुछ एक्टिविटीज लाइक योगा या मेडिटेशन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज रखना है ताकि हम अपने माइंड को काम रख सकें और स्ट्रेस ऑफ वर्क जो है हमें कम हो, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर रजनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe Indian Health Consultants. If you have any questions related to heart disease, please do comment on it. Dr. Rajni herself will answer those questions. Please change your lifestyle to stay away from any heart problem. Thank you. Tata.